हेलो एवरीवन, हम आज आपको मूल कॉन्सेप्ट में भी ये टॉपिक आप पढ़ते हैं और उसके अलावा जीओसी में भी आप पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरली नीट या जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? तो वो होता है C6H6। ये जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है? इसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे या एम्पिरिकल बोलेंगे? तो इसको आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनका एक्चुअल नंबर बता रहा है। तो ऐसा फॉर्मूला जो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। मतलब बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें डिफरेंट एलिमेंट का यदि हम सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये रेशियो आएगा 6:12:6 है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1। 1 लिखा नहीं जाता, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? CH2O, यानी कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक। बेंजीन के लिए दोनों 6:6 है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH, कार्बन भी वन है, हाइड्रोजन भी वन है। तो इतना समझ में आया सभी को? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो, वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके बीच का जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया सभी को? अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें? आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन में आपको कुछ एलिमेंट्स दे देंगे, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब या तो उनका मास आपको दिया होगा क्वेश्चन में या फिर परसेंटेज दिया होगा। तो परसेंटेज दिया हो या मास दिया हो, सबसे पहले वो आप लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, उनका परसेंटेज या मास लिख लीजिए। उसके बाद आपको उनके एटॉमिक मासेस याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एटॉमिक मास देते भी हैं क्वेश्चन में या नहीं भी देते। कार्बन का एटॉमिक मास याद है सभी को? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है 14। अब हम क्या करेंगे? अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना है? जो भी गिवन मास या परसेंटेज है उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। 48 को 12 से, 8 को 1 से, 56 को डिवाइड करेंगे 14 से, ठीक है? यह आएगा 4, यह आएगा 8, यह आएगा 4। 4:8:4, यह आया नंबर ऑफ मोल्स। अब फाइनली हम फाइंड आउट करेंगे इनका सिंपल रेशियो, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो भी डिफरेंट एलिमेंट है उनका सिंपल होल नंबर रेशियो। तो वो कैसे निकालेंगे? या तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा जैसे दिख रहा है 1:2:1, या कई बार नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सभी से डिवाइड कर देना। तो 4 स्मॉलेस्ट है, उसको सारे नंबर को 4 से हम डिवाइड कर, इससे भी आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। यह आ जाएगा 1:2:1। मतलब कार्बन एटम का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, नाइट्रोजन का 1 है। यह आया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया सभी को? बिल्कुल इजी है। उसके बाद मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए भी एक रिलेशन होता है। यह होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन टाइम्स। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है? CH2N। अब आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये N क्या है? तो N होता है मॉलिक्यूलर मास
और इंपेरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो। अब मॉलिक्यूलर मास कहां से लाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया होगा। सपोज इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया है 112, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये इंपेरिकल फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो 2, नाइट्रोजन का 14, कम्स आउट टू बी 28। तो इंपेरिकल फॉर्मूले से आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इससे डिवाइड कर दीजिए 28 से, ये एन की वैल्यू आ जाएगी। एन फैक्टर कितना आया, 112 डिवाइडेड बाई 28, ये आएगा 4। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8N4। समझ में आया सभी को? एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो, ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे, उनका या तो परसेंटेज दिया होगा या मास दिया होगा, वो आप लिख लेंगे। सबसे पहले उनके एटॉमिक मास आप लिखेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए मास या परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। ये करने के बाद आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंपल रेशियो होगा वही होगा कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए रिलेशन क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन टाइम्स। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये दे दिया है, उस इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे, एन फैक्टर आ जाएगा, एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सभी को, इजी है बिल्कुल।